बिहार के वाहन चालकों की अब रोड पर खैर नहीं है। पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। रिजल्ट ये है कि सीट बेल्ट और हेलमेट के चक्कर में अब लाखों का चालान कट चुका है। सबसे खास बात तो ये कि हाय तौबा करने के बाद भी पुलिस अब दया करने के मोड में बिल्कुल नहीं दिख रही। इतना ही नहीं, अब लड़कियों और महिलाओं को भी बख्शा नहीं जा रहा है। दरअसल राजधानी पटना में पुलिस ने रोड पर ऐसा ताबड़तोड़ अभियान चलाया है कि बाइक और कार चलाने वालों की नींद हराम हो गई है और 4 लाख से कुछ ही कम रुपए में चालान भी काटा गया है। तो खबर क्या है वो विस्तार से जान लीजिए और किस प्रकार अब बिहार में आपको सड़कों पर चलना होगा इसे भी समझ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि खबर छूट जाए और आपको सड़क पर मोटी रकम चुकानी पड़े। दरअसल ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस लगातार विशेष अभियान चला रही है। हैरत की बात यह है कि सबसे ज्यादा पटना वासी डबल हेलमेट और सीट बेल्ट के कारण जुर्माना भर रहे हैं। गुरुवार को भी अटल पथ और मरीन ड्राइव पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें 207 लोगों से 3,87,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। 207 वाहनों में बाइक और 4 पहिया वाहन भी शामिल थे। दरअसल ट्रैफिक SP पूरन कुमार झा ने बताया है कि इसमें सबसे ज्यादा डबल हेलमेट और सीट बेल्ट के कारण लोगों को जुर्माना भरना पड़ा है। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ खुद ट्रैफिक DSP सड़क पर उतर गए। GPO फ्लाईओवर पर ट्रैफिक DSP घंटों खड़े रहे और नियम तोड़ने वालों पर नकेल कसा और समझाया भी। ट्रैफिक SP ने बताया कि विशेष चेकिंग के दौरान बाइकर्स पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि पटना में आपने देखा होगा कि बाइकर्स गैंग जब सड़क पर निकलते हैं, खासतौर पर मरीन ड्राइव वाले इलाके में, तो इनकी स्टंटबाजी देखने को मिलती है। एक बाइकर सवार को जब GPO फ्लाईओवर पर डबल हेलमेट न पहनने के लिए पकड़ा गया तो पहले तो हेलमेट चोरी का बहाना बनाया, फिर जब बोलने लगा कि सिर में काफी दर्द है जिससे हेलमेट नहीं पहनते हैं, तो इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों को दरकिनार कर बाइक सवार का चालान काट दिया। विशेष चेकिंग अभियान में डबल हेलमेट का चालान कटने वालों में सबसे अधिक पीछे बैठने वाली महिलाएं शामिल हैं। जांच कर रहे ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि सबसे अधिक बाइक के पीछे बैठने वाली महिलाएं हैं जो हेलमेट नहीं पहनती हैं। यही नहीं, बचने के लिए बाइक से उतर जाती हैं और पैदल आगे जाकर फिर से उसी बाइक पर बैठकर आराम से चली जाती हैं। ट्रैफिक SP ने लोगों को जागरूक करते हुए ये भी कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने से जान की सुरक्षा और आर्थिक नुकसान से आपका ही बचाव होगा। इसमें हमारा कुछ नहीं जाएगा और हमें इससे कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी खुश और खुशहाली में जिएगा। दरअसल पूरे बिहार में बिहार पुलिस सक्रिय हो गई है और सड़कों पर इधर उधर करने वालों पर तो निगाहें रहती ही हैं, साथ में बाइक चलाने वाले और कार चलाने वालों पर भी नजर बन गई है। वो इसलिए भी क्योंकि सड़क पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों को ये समझाया जा रहा है कि आप हेलमेट जरूर पहनिए, यदि 2 लोग बैठकर चल रहे हैं तो दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है, कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट आगे वाली सीट पर जरूर लगाएं और ऐसा नहीं करने पर लोगों का ताबड़तोड़ चालान काटा जा रहा है। तो सड़क पर निकलने से पहले आप जान लीजिए, समझ लीजिए और सावधान हो जाइए, क्योंकि पुलिस अब आपको छोड़ने वाली नहीं है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।